मुझे मशकूक किरदार क्यों समझा जा रहा है? बानी पीटीआई का मुकालमा। पहले केस लाइव चल रहा था, मैं आया तो बंद कर दिया गया। बानी पीटीआई की जानिब से ये शिकवा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस से मुतल्लिक बात करें, बाकी बातें छोड़ दें। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं ऐसा कौन सा ख़तरनाक आदमी हूँ कि गलत बात करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस से मुतल्लिक जो कहना चाहते हैं वो बताएं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं वजाहत चाहता हूँ, गुज़श्ता समात पर मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज ईसा ने कहा कि जजेस अपने फ़ैसलों की वजाहत नहीं करते। बानी पीटीआई ने मुकालमा आगे दोहराते हुए कहा कि मुझे क्यों मशकूक किरदार समझा जा रहा है। जस्टिस तमीनुद्दीन खान इस पर बोले कि नैब तरामीम से मुतल्लिक केस की हद तक बात करें। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। मजीद कहा कि फार्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, नैब तरामीम सिर्फ चंद शख्सियात के लिए की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित करें। जस्टिस अथम इनल्ला ने कहा कि इन तरामीम को कलदम करने की कोई वजह नहीं थी। बानी पीटीआई ने कहा कि तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपकी बातें तो खौफ ज़्यादा कर रही हैं। जस्टिस अथम इनल्ला ने कहा कि उम्मीद है आप इक्तदार में आएँ, मसाइल पार्लियामेंट में हल करें। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं दिल से बात करूं तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं कहता हूं कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तयनात करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपने पार्लियामेंट में बैठ कर नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज ईसा ने कहा कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। तो ये जजेस और बानी पीटीआई के दरमियान मुकालमा हुआ है आज की समाअत के दौरान। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे मशकूक किरदार क्यों समझा जा रहा है, पहले केस लाइव चल रहा था, मैं आया तो बंद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आप केस से मुतल्लिक बात करें, बाकी बातें छोड़ दें।